बड़ा हमला बोला है। उन्होंने पार्टी की कार्रवाई को महिला विरोधी बताया और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर कई सवाल खड़े किए। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ बोलना समाजवादी पार्टी के दो महिला नेताओं को काफी भारी पड़ गया। पार्टी ने दोनों तेज तरार महिला नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया। पार्टी ने रोली तिवारी मिश्रा और ऋचा सिंह को निष्कासित कर दिया। पार्टी से निकाले जाने के बाद ऋचा सिंह एसपी और अखिलेश यादव पर जमकर बरसी। देखिए आज ये जो कार्रवाई हुई है, पहली बात तो ये अलोकतांत्रिक कार्रवाई है। समाजवादी पार्टी जो लगातार लोकतंत्र की दुहाई देती है, आज उसको अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने बिना कारण बताए और बिना स्पष्टीकरण मांगे, बिना किसी कारण के हमारा निष्कासन कर दिया गया। जैसा कि हमें सोशल मीडिया के माध्यम से सिर्फ ये पता चला कि रोली मिश्रा जी का और ऋचा सिंह का निष्कासन किया जाता है, उसके आगे पीछे भी कुछ नहीं लिखा था कि किस कारण से किया जाता है, क्योंकि हमने कोई अनुशासनहीनता कभी की नहीं पार्टी के भीतर रहकर। एसपी महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान के बाद ऋचा सिंह ने उनके खिलाफ टिप्पणी की थी, जिस पर पार्टी ने कड़ा एक्शन लिया। ऋचा सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर जमकर अपनी भड़ास निकाली कि जिस तरीके से कुछ छद्म समाजवादी जो सभी दलों में रहने के बाद अब अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए समाजवादी पार्टी में आ गए हैं, और जिस तरीके से वो रामचरितमानस को लेकर अभद्र टिप्पणी कर रहे थे, इस टिप्पणी का मैंने विरोध किया था, क्योंकि इस देश का संविधान इस बात को कहता है कि किसी भी पंथ और धर्म के लोगों की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। ऐसे में समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो कि लगातार महिलाओं के दम पे राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार महिलाओं की बात कर रहे हैं, उनके साथ न्याय की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहती हूं कि अभी पिछले दिनों समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित की गई है, जिसमें 70 लोगों में लगभग सिर्फ 5 महिलाएं हैं। पार्टी की ओर से बिना कारण बताए निष्कासन पर ऋचा सिंह का आक्रोश सामने आया और उन्होंने कहा कि इससे पार्टी की महिला विरोधी सोच उजागर होती है। ये तो समाजवादी पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि ना तो वो लोहिया जी की सोच को मानती है, ना वो इस देश की आत्मा रामचरितमानस के साथ खड़ी है, और देश की आधी आबादी यानी कि महिलाओं, जिसकी बात लोहिया जी बार बार किया करते थे, आज उनको जिस तरीके से बिना बताए बिना कारण के बाहर निकाल दिया गया, ये महिला विरोधी चेहरा भी स्पष्ट करता है। समाजवादी पार्टी ने दो महिला नेताओं को पार्टी से निकालकर यह साफ कर दिया कि 2024 चुनाव को लेकर उनके एजेंडे में क्या है। सवाल है कि बीजेपी को घेरने के चक्कर में कहीं एसपी खुद तो नहीं गिरती जा रही है। प्रयागराज से मानवीर प्रताप सिंह के साथ टीम न्यूज स्टे। और एसपी से निष्कासित ऋचा सिंह ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है वो आपको बताते हैं। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि जब जब गलत का विरोध किया गया, और उसके आगे वो लिखते हैं कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली निर्वाचित महिला अध्यक्ष होने के बाद ऋचा सिंह, जो पूर्व एसपी नेता जिन्हें निष्कासित कर दिया गया, उन्होंने आगे लिखा लगातार निष्कासन का सामना कर रही हूं। ये निष्कासन कोई नया नहीं है, जब जब गलत का विरोध किया निष्कासन को झेला है, पर महिषासुरों के खिलाफ डटकर खड़ी रही, इस बार फिर महिषासुर वध होगा। ऋचा सिंह पूर्व एसपी नेता जो है वो उन्होंने ये ट्वीट किया है निष्कासन के बाद। रोली तिवारी मिश्रा ने अखिलेश यादव का धन्यवाद किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि 16 सालों की निष्ठा के इस पुरस्कार के लिए आभार आदरणीय यादव अखिलेश जी। इसके आगे वो लिखती हैं कि 16 सालों की जो निष्ठा थी राष्ट्रद्रोहियों, सनातन धर्मद्रोहियों, रामद्रोहियों के खिलाफ आवाज उठाती रहूंगी। सनातन धर्म के स्वाभिमान प्रभु श्रीराम, श्रीरामचरित मानस के। इसके आगे रोली तिवारी लिखती हैं कि सम्मान के लिए ऐसे हजारों निष्कासन स्वीकार है। रोली तिवारी मिश्रा पूर्व एसपी नेता, ये दो लोग हैं जिन्हें समाजवादी पार्टी ने निष्कासित कर दिया, ट्वीट करके हमलावर होते हुए नजर आए हैं। चलिए बढ़ते आगे, अब बात करते हैं ग्राफिक्स जरिए कुछ और आपको अहम जानकारी इस मानस की लड़ाई पर आपको बता देते हैं। अखिलेश के एक्शन पर ऋचा भड़की है, महिला विरोधी है, महिलाओं की जाति देखकर उन पर अपशब्द बोलना समाजवाद नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने महिला सम्मान पर एक शब्द नहीं बोला और मानस के खिलाफ बोलने वालों की नकल कम से कम निष्कासन का कारण तो बता देते जनता को।
निष्कासन। महिला विरोधी है समाजवादी पार्टी। अखिलेश के एक्शन पर ऋचा जो है वो भड़कती हुई नजर आई है। चलिए बढ़ते आगे। स्वरा भास्कर ने अपने फैंस को एक बड़ा सरप्राइज दिया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट फहद अहमद से शादी कर ली और इस बात का खुलासा उन्होंने ट्वीट पर दिया है। फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने समाजवादी पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट फहद अहमद से शादी कर ली।